कई दशकों से इंडियन पुलिस से बचते बचाते चोरियां कर रही बिहार की एक सैडिस्टिक गैंग आरडीएक्स गैंग। इस गैंग में सभी लड़कियां ही हैं। ये अल्कोहल, गांजा, ड्रग्स के नशे में ही क्राइम करती हैं। इनके बारे में इंटेलिजेंस को कोई भी अंदाजा नहीं है। इनको चोरी करने के लिए किसी निर्धारित एरिया की जरूरत नहीं है। पर धावा बोलेंगे तो कितनी भी कड़ी सिक्योरिटी क्यों ना हो, चोरी करके बिना कोई सबूत छोड़े वापस आ जाते हैं। छोटे बच्चों की भी निर्ममता से हत्या करते हैं। जो मर्द इनकी बात नहीं मानते हैं उनका गुप्तांग काट के मार देते हैं। औरतों की छातियों को काटना इनकी स्पेशलिटी है। आरडीएक्स गैंग अब तक 175 चोरियां और 360 मर्डर्स कर चुके हैं। इनकी चोरी का माल पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक का लगभग 166 करोड़ है।
हेलो ब्रो, यहाँ कंप्यूटर रिपेयर के लिए बोला था, कहाँ है? इधर है। ओ अच्छा, यहाँ है। यही है? हाँ। कोई आपको बुला रहा है? वहां कुछ गिरा, देखिए। हेलो, पुलिस स्टेशन, देखिए यहाँ पर। अरे अरे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मेरा पर्सनल कॉल है। मेरी डाली है, बड़ा प्यार करती है मेरे से। क्या कर रहा है बे? कुछ नहीं है, मैटर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्साइटमेंट से पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, तुझे बुलाया ठीक करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। चल रहा है, समझ क्या रखा है बे? ब्लॉग ओपन हुआ नहीं कर रहा। चल 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 बे, चल। ओ जाना है, ठीक है चलता हूँ। खुद ही तो बुलाया था, खुद ही जाने को बोल रहे हो। तुमने सोचा कि मैं यही बोलूंगा? उस कंप्यूटर का मैटर, उसके पीछे का मीटर पता लगाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तेरी तो क्या पकड़ा है बे? चल। इसका नाम मल्लेश यादव है। सिटी में जमीनी कब्जों का
सिक्योर ऑफ एड्रेस है। सर मुझे कुछ नहीं करा। दस्तखत करके मरेगा या मार के तेरे हाथों से दस्तखत खुद ले लूं? मुझे कुछ चाहिए तो मैं हर कीमत पर उसको लेकर रहता हूं। मना करके कहानी सुनाएगा तो मेरे को गुस्सा आएगा ना, इसलिए जल्दी से साइन कर और निकल ले यहाँ से। जो बोलोगे वही करूंगा सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। दे साइन कर। करने पर कहानी सुना रहा था ना, गुस्सा दिला ही दिया ना। ये लाल सिंह है, हथियारों का व्यापारी है, सिटी में दंगा फसाद कराने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए यही जिम्मेदार है। इसका नाम किट्टू, बिरजू भाई का जान से भी प्यारा भाई है। ये लड़की बास है। ये है बिरजू। पूरा सिटी का माफिया इसके इशारों पर चलता है। ड्रग्स बिजनेस का हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है। जरूर। मुझे कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। इस ब्लैक वर्ल्ड का मैं किंग हूं और मेरा भाई वारिस है। मेरे भाई से बिजनेस का मतलब तुम अपना डेथ गेम खुद खेल रहे हो। यहां सिर्फ स्टार्टिंग आपके हाथ में है, एंडिंग हम डिसाइड करेंगे, समझे? ओके सर। मेरे साथ बिजनेस करना है तो पहले मुझे पसंद आना चाहिए, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए। राउडिज्म क्या है? बोल, टेल मी। लोगों को डराना। जीने के लिए चुना गया एक रास्ता, चालाकी, पैसे, आप जैसे लोगों की छत्र छाया। बिजनेस का रूल क्या है? चलो बताओ। चालाकी, धोखा और ज्यादा माल कमाना। व्यापार करने वालों को कुचलना आना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, तो मरने वाले को पता लगने पर क्या करना चाहिए? बताओ। सामने वाले को मार देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें तुमसे भी ज्यादा सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए। तुम अंडरकवर कॉप हो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। आजकल कॉन्स्टेबल खूब सयाने हो गए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। उन लोगों में इतनी अकल होती तो स्कूटी पर क्यों आते सर? आपकी तरह नहीं, कम से कम ऑटो पर तो आते हैं। ये तो बिरजू भाई हैं इसलिए चल रहा है, वरना आजकल इस महंगाई के दौर में इस सैलरी में होता क्या है आखिर? सर क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अमलापुरम से हूँ। तेरा चेहरा देखकर लगा ही था कि तेरा शहर वही होगा। क्या चाहिए? बैठो। माँ के दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रात बहुत हो गई थी इसलिए बस स्टॉप पर सो गए। सुबह उठकर देखा तो बैग गायब था सर। एक बैग के लिए इतना रो रही है? ए कांस्टेबल, इसको बैग दे दो, बेचारी गाँव से आई। खाली बैग नहीं सर, उसमें 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए? बैग तो दे सकते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर दें? अच्छा ये बता, चोरी कहाँ पर हुई थी? NGP बस स्टॉप सर। एक काम कर, वहाँ का CCTV फुटेज निकलवा। लीगली प्रोसीड करना बहुत मुश्किल है सर, वहाँ के गैंग को कॉल करने से आधे घंटे में बैग और पैसे दोनों के दोनों आ सकते हैं। ठीक है, करके आओ। ओके सर। अंदर जाके वेट करो। हेलो अफजलगंज गणेश शाह। कल रात बस स्टॉप से बैग चोरी किया रे तू? मैं परेशान क्यों हो रही है? वो हमारे खास लोगों का है। सर छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़िए। अर्जेंट है, जल्दी सर, सर प्लीज सर, सर हटिए। छोड़ दीजिए सर, दूर हटिए, छोड़िए। पूरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक चुम्मा तो मिल गया और ऊपर से
5 लाख मिल गए, ये ले ये तेरा हिस्सा, ये तेरा, ये तेरा, और ये, और ये, और ये, और ये सारा हिस्सा। सर, सर ये भी करेक्ट है। लोगों को लूट कर पवित्र पुलिस स्टेशन को रिश्वत का अड्डा बनाते हो? नो सर। लो प्रोफाइल से लेके हाई प्रोफाइल तक सबको लूट रहे हो? सॉरी सर। क्यों, बात क्यों नहीं कर रहे? सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। आज से ये नहीं चलेगा, अब से कोई कितना भी कमाए उसमें से 50% मेरा, बाकी 50% तुम्हारा। ओके सर। सर आप एसी भी नहीं, आप तो धन की वर्षा करने वाले कुबेर लग रहे हैं सर, हमारे कष्टों का अंत करने वाले सुपरमैन जैसे लग रहे हैं सर। पर कुछ ऊंच नीच हो गए तो परशुराम बन जाऊंगा, आपकी लूट के लिए बैटमैन बन जाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर कहां कर दूंगा। अब देख क्या रहे हो, जाओ यहां से। जी सर। जी सर। रवि कुमार जिसे वहां रख दो, आज से ये सब हमारा है। पहले दिन का कलेक्शन कितना बढ़िया लगा। ए, एक चाय ले आ। जैन सर। क्या, बैठी बैठी। आरएक्स गैंग के बारे में कुछ तो पता होगा आपको? नो सर, पब्लिक या प्रेस इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। क्या उसमें कोई सीक्रेट डाटा है क्या? गवर्नमेंट संबंधित सब सीक्रेट डाटा उसी में है सर। अच्छा ऑफिसर, हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो मिसयूज हुआ है क्या? नो सर, वो हार्ड डिस्क अगर खोलने की कोशिश की जाएगी तो हमें फौरन इंडिकेशन मिलेंगे, हमने पूरे अरेंजमेंट किए हैं सर। अभी तक हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है जिससे पता चले कि हार्ड डिस्क ओपन हुई है। अगर ये बात पब्लिक को पता चलती है तो सरकार पर बहुत दबाव होगा सर। हेलो भास्कर, मैं कुछ ऑफिसर्स को भेज रहा हूँ, उस हार्ड डिस्क को ट्रेस कर लीजिए। ओके, ये दो लड़कियों का फाइल है सर। ये लड़की कौन है? दूसरी वाली एकदम कड़क माल है सर। सर आपसे मिलने कोई आया है? आने दो। सर, सर, सर। क्या बात है भाई, इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रहे हैं? सर, 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 वो सर। सर हम डूब गए सर। बाहर बारिश हो रही है क्या? सर वो हमारा सब कुछ लूट के ले गए सर, कुछ भी नहीं छोड़ा सर, सब कुछ ले गए सर। आजकल के चोर बहुत होशियार हो गए हैं सर, चोरी करने के बाद उंगलियों के निशान तो क्या, कोई निशान नहीं छोड़ते। अच्छा तुम ये बताओ, तुम करते क्या हो? मैं रिजर्व बैंक में बिल क्लर्क हूँ सर। वो तो ठीक है, डॉक्टरों को, वकीलों को, नेताओं को हम कितना डिटेल में बताते हैं, उतना ही डिटेल में सुपरमार्केट के बिल की तरह क्लियरली सब बताओ। अलमारी में 10 लाख रुपए, बेडरूम लॉकर में 1 किलो चांदी, बहुत मेहनत करके कमाया सर, सब चोरी हो गया सर, कस्टमर का पैसा भी गया सर, मैं तो कहीं का नहीं रहा सर। टेबल के नीचे रिश्वत का पैसा लेते हुए बहुत कष्ट किया होगा। आपकी बीवी के गहने देखते मुझे समझ आ गया। सर ऐसा नहीं है सर। आपके बदन पर लदे गहने, आपकी जेब में जो आइटम्स हैं वो सब यहाँ रख के कल से नया अकाउंट शुरू कर देना, समझे? मैं काम करने पर उतर आया ना तो मुझे प्रमोशन, तुम्हें डिमोशन। लोगों को जितने एंगल से लूट सकते हैं वो सारे आपके अंदर हैं सर। इसमें इतना खुश होने की बात क्या है, सारे के सारे बेईमान भरे पड़े। छी। My gift. तुम मेरे इतने पास हो तो फिर गिफ्ट की क्या जरूरत है? तो गिफ्ट नहीं चाहिए। हेलो, मेरा नाम आयुब है। ऑनलाइन साइट में तुम्हारा नंबर देखकर कॉल किया है तुम्हें। ओके। तुमसे अर्जेंट काम है मुझे। ओके, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आ जाना। हाय शंकर। यस आई एम आयुब। हाँ
जल्दी बताओ क्या काम है। हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है, डेटा रिकवर कराना है। ठीक है ठीक है, इधर दे दो। ओके। डेटा रिकवर होने में एक घंटे का समय लगेगा, तब तक आप उधर बैठ जाइए। सुपर जीनियस, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी से कर लो। ओके ओके, थैंक यू सर। पर ये माइनर वर्क है, मेजर वर्क एक और है। ऐसा? वो क्या है? एक हार्ड डिस्क का लॉक ओपन करना है। उसमें क्या है, कर देंगे? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है मिस्टर, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो ये चिल्लर वर्क छोड़कर लाइफ में सेटल हो जाओगे हैप्पीली। अब जो भी है उसमें मैं खुश हूँ, तुम्हारे कहने की जगह पर आकर काम नहीं करूंगा। मेरे पास आओगे तो ही काम करके दूंगा, समझ गए ना? चल निकल। ए शंकर, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। बस कर, तुम ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुके हो, तभी तो मैंने क्रॉस किया। चल निकल। ए शंकर, चल तुझे। कहां से आते हैं ये लोग? माय डियर ऑफिसर्स। यस सर। सिटी के गुंडे और रावड़ीज आधे घंटे में मुझे यहाँ चाहिए। यस सर। वाह, मिनिस्टर्स की कैबिनेट मीटिंग में जितनी रौनक होती है ना, वैसी रौनक आज यहाँ इन गुंडों के आने से हो गई है। तुम इतना चौड़े होकर क्यों आ रहे हो? लाल शंकर हूं मैं तो। अपने आने का स्टाइल यही है, तेरे को भी प्रॉब्लम है क्या? लाल शंकर तो ही है ना। हाँ। बिना लाइट डिटेक्टर के सच उगलवाऊंगा, वहां बैठ। लाल शंकर हूं मैं। चल बे वहां बैठ। Alright! चलो बिठाओ इसे, बिठाओ। नाम क्या है? जीडी मेटला चार्जू भाई सर। जीडी मेटला, जीडी मेटला, जीडी मेटला तुम्हारा उपनाम है क्या सर? जीडी मेटला में मैं पिकनिक मनाता हूँ सर, तभी तो लोग मुझे जीडी मेटला जाजू भाई बोलते हैं सर। मेरे घर का नाम भी बदल कर जीडी मेटला पड़ गया सर। जीडी मेटला, जीडी मेटला नाम है। सॉरी सर। उपनाम कैसे बदलेगा बे, ये कोई पहनावा थोड़ी है जो मर्जी चलाने के लिए है। असली नाम बता, असली नाम बता। जाम का इला जितेंद्र सर। राइट, तो उठ बे। तेरा नाम क्या है? माधापुर महेश भाई सर। भाई क्या बे, भाई क्या बे, भाई बोलने पर उसका गाल गोल हो गया, करते क्या हो? मैं इनकी तरह राउडीज़म और गुंडागर्दी वगैरह नहीं करता सर। तो काम क्या करते हो? रविवार को अन्नदान, सोमवार को रक्तदान, बुधवार को फलदान और गुरुवार को गुरुवार को गुरुवार को क्या अंडों का दान करते हो? तुम्हारी शक्ल से दान करने वाले लगते हो तुम। गुरुवार को दान करते हो, दान करते हो, दान करते हो, बोलो बोलो। सॉरी सर, दान नहीं करता, दादागिरी करता हूँ। ये सही है, वहां जाके बैठ। ठीक है सर। इनको मैं मार नहीं सकता, ये लाठी दे दो। अबे उठ बे, उठ। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर सर, ऐसे क्या हिला रहा है बे? मार पड़ने पर ऐसे ही होता है सर। मारने से ऐसा करोगे, ऐसा करोगे हैं? चलो सर। सर जी सर। क्या है बेटा कोटा? नहीं नहीं सर, अब नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर नमस्ते सर। तुझे नहीं मारूंगा। ओके सर, पर तू मुझे एंटरटेन करो। आप बैठ जाइए, मैं करके दिखाता हूँ सर। ठीक है। हाँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करके दिखाऊंगा सर। सबको मजा आएगा। हाय हाय, सबको रगड़ दिया। हाय हाय, सबको मजा आएगा। हाय हाय, सबको रगड़ दिया। हाय हाय, सबको मजा आएगा। हाय हाय, सबको रगड़ दिया। हाय हाय, सबको मजा आएगा। हाय हाय, सबको रगड़ दिया। हाय हाय, पूरे पुलिस स्टेशन को रॉबरीज़म का अड्डा बना के रख दिया, क्या इंसान है ये। इतने लोग हंस रहे हैं, तुझे हंसी नहीं आ रही है? अन्याय हो रहा है तो सर देखकर तो हंसी आएगी ना। अन्याय को न्याय मिलता देखकर, सीख की जीत देखकर, जहां अधिकार मेहमान की तरह नवाजा जाता हो देखकर, उससे तो हंसी आएगी ना सर। मेरी सर्विस में तेरे तरह के प्रतियोगी हर स्टेशन पे एक जरूर मिलता था, पर करता वर्ता कुछ नहीं है। कलम की एक दस्तखत से स्टेशन जरूर बदल जाते थे। लाल शंकर गौड़, गौड़ गौड़ ऊपर। हाँ, डांस कर उसकी तरह। डांस करना है? हाँ। लाल शंकर हूं मैं। लाल शंकर हो तो, वो तो तब भी कुछ नहीं, इधर आओ। डांस करना आता है? डांस करना नहीं आता,
लड़ाई करना आता मेरे को। सबको मसल दिया, कर कर हाय हाय, सबको मसल दिया, सबको मसल दिया, सबको मसल दिया, सबको रगड़ दिया, सबको मसल दिया, सबको रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया, सबको मसल दिया, सबको रगड़ दिया, सबको मसल दिया, सबको रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया, सबको मसल दिया, सबको मसल दिया, सबको मसल दिया, सबको रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया। क्या मलेश यादव, यहाँ क्यों आए हो? नमस्ते शिव साहब। नमस्ते। ये सारे अपने ही लड़के हैं, अपना सारा धंधा यही संभालते हैं। ये सभी तुम्हारे लड़के हैं? अच्छा, लाल शंकर और तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं क्या? वो सब छोड़ दो साहब, अपन सब देख लेगा। अपन ना एक डील करते हैं। डील? तो ठीक है, चेयर डाल दे बे। आपको कमीशन डेली चाहिए, महीने में चाहिए या सालाना चाहिए, जैसा भी हो आप मुझे बताइए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। देख ले भाई, कुछ भी करें यादव की तरह स्मूथ वे में हो जाना चाहिए। डील ऐसा सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। इतनी देर से मेरे हाथ मार खाते रहे, किसी ने डील के बारे में बात किया? तभी वो MLA बने, आप लोग गुंडा ही रह गए, देख के सीख लो। अच्छा चलता हूँ इसी साहब। नमस्ते नमस्ते। और कितने दिन ऐसे रहोगे भाई? स्कॉच टपका देते हैं। वो ACP हमसे ज्यादा पावर में है, तो अब क्या करें भाई? मल्लेश यादव से बात करो। क्या हुआ ये तो पता होगा तुझे। आज मेरे साथ हुआ है, कल को तेरे साथ हो सकता है, या इससे भी बुरा हो सकता है। हम दोनों के बीच में कंपटीशन ठीक है, लेकिन कोई और आकर हमारे धंधे को खराब कर दे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा। तो करना क्या है? उस घमंडी ACP को हटाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अलग अलग काम नहीं कर सकते। मुझसे क्या चाहते हो? भाई को बोलकर उसे रास्ते से हटवा देते हैं। ऐसी छोटी चीजों के लिए मदद मांगना भाई को अच्छा नहीं लगता। वो सब मैं खुद देख लूंगा, मेरे पे छोड़ दे। तो कैसे करें? एक काम करते हैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, एक बात फैला देते हैं और फिर उसको फोन करते हैं। वो जरूर आएगा, और जैसे ही वो आएगा ना, उसका खेल खलास। और अगर वो ज्यादा पुलिस लेकर आ गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया तो? उस टाइम वो अपना काम करेगा और मैं अपना, समझ गए ना? ठीक है, फिर कल इसी जगह उसकी लाश होगी। ठीक है। चल ध्यान रख अपना। हैदराबाद के शमशाबाद में चोरी की गई बच्ची सोने के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। सिटी में बच्चों की चोरी लोगों में दहशत पैदा कर रही है, लोग बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? जनता की सहायता करने का वादा करके वोट्स डलवाने वाले राजनेता क्या कर रहे हैं? जनता की रक्षा पुलिस क्यों नहीं कर रही? बच्चों को किडनैप करने वाले किडनैपर्स उन्हें विदेश में बेच रहे हैं या मार डाल रहे हैं? क्या ये सरकार और पॉलिटिशियंस की असफलता है या फिर पुलिस की असमर्थता? फ्रेंड्स आर फन। क्या कर रही है, जाकर अपना काम कर ले। चल ACP साहब, यहाँ लाल सिंह के आदमी और मलेश यादव के आदमी के बीच लड़ाई चल रही है सर। दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं, जरा जल्दी आ जाइए सर। बंदे
this city. I'm a boss, I'm a OG. I'm a bad cop, balling like a lady Kobe. I'ma make bad guys run to the death. Nothing can stop me, I got my strength. मैंने कुछ नहीं किया। हेलो हेलो कौन शंकर मेरी डील का क्या हुआ मेरे पास टाइम नहीं है ओए कितनी बार समझाना पड़ेगा तेरे को समझ नहीं आता कैसे नहीं करेगा मैं भी देखता हूँ क्या बे धमकी दे रहा है हाँ लोकेशन सेंड कर मैं अभी आ रहा हूँ अगर मर्द की औलाद है तो आ बे क्या है तेरी प्रॉब्लम क्या है हाँ मुझे परेशान क्यों कर रखा है मैंने सर्च किया टॉप 10 टेक्नीशियंस में तुम नंबर 1 पर आते हो थैंक्स भाई बड़ी जल्दी पहचान लिया तूने यार पर ये ब्लैकमेलिंग मुझे अच्छी नहीं लगी तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो पर तुम्हारा इरिटेशन अच्छा नहीं लग रहा है देखने में तो तुम भी अच्छी लग रही पर तुम्हारा मर्द की तरह दारू और सिगरेट पीना वो अच्छा नहीं है ठीक है ये रोना छोड़ दो वो हार्ड डिस्क ले आना फिर देखते हैं उसमें क्या है पेमेंट कितना चाहिए बोलो मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे काम में कोई लॉजिक मिस हो रहा है इलीगल लगता है सॉरी आई कांट डू दिस बैड लक मैं कुछ नहीं कर सकता बाय ये हीरो ज्यादा ओवर मत सोच काम से कहीं ज्यादा पैसे हैं ओए सुन इस दुनिया में करने को बेकार के बहुत से काम हैं समझी लेकिन मेरे लिए जरूरी मेरा ही मान है बाय मौत दिख गई तो हाय बोलना लड़ पड़ी तो बाय बोलना बचपन से मेरी आदत है तुझे आदत है अगर मैं तुझे मार दूं तो ये बर्दाश्त कर पाएगा बोलना ए बोल ओके 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 आपके बारे में मैं जानता हूं हुआ क्या है ये बता दो कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा सर आप कैसे भी बता दो कोई फर्क नहीं पड़ता है गुनहगार को सजा देने के लिए कोर्ट और कानून है आप बेझिझक बताइए सर मैं पॉजिटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में जॉब कर रही हूं सर वहां अविनाश से प्यार हुआ वो कंपनी ओनर बिरजू का भाई है सर कंपनी इवेंट मीटिंग के लिए उनके साथ गई थी सर बीच में कूल ड्रिंक में क्या मिलाया था पता नहीं चला जब मैं अनकॉन्शियस थी तो मेरे न्यूड वीडियो बनाया था सर अब वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहे हैं सर देखिए सर देख बेटा आप रोती रहोगे तो वो रुलाता ही रहेगा तुम सामने जाओ धिक्कारो उसे और लड़ लो रवि कुमार
यस सर। उसको बुलवाओ। ओके सर। सड़क पर चल रहे राउडी से लव हो जाता है। चलो वो छोड़ो, पेरेंट्स को तो तुम लोग घास नहीं डालते हो, कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचते हो क्या? सॉरी सर। एसीपी, बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ, तुम भी एक स्मॉल मारो। प्लीज बैठिए। तुम्हें स्टेशन पर बुलाया तो स्मॉल लार्ज ऑफर कर रहे हो? आने के लिए सोचा था, लेकिन मेरी ईगो क्या बिगाड़ लेगा मेरा, सोच कर नहीं आया मैं। देख भाई, तेरे को ईगो चर्बी चढ़ गई है, दूसरों को चिढ़ाना पीक में, अब ये ज्यादा हो गए तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हो? 10 लाख दूंगा, ऐश करना। टंग स्लिप हो गया है। ऐसा क्या? 10 छोड़ो, 25 लाख ले लो। फिर से टंग स्लिप हो गया है। जो जो बक दिया वो सब वापस ले लो। हाल ही में पीडी एक्ट में माइनर पर जबरदस्ती साइबर अपराध को भी जोड़ दिया है। FIR बुक हो गया तो बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब टंग स्लिप होने की कोई गुंजाइश नहीं, तुम भी खुश रहो। 50 लाख दूंगा, एंजॉय। ये बात पहले ही बोल देते, इतना लागू नहीं रहता। एक पैक मार के खुशी खुशी चला गया होता, हमारा तो सारा लेन देन का ही काम है। तुम सुपर हो एसीपी, तुम्हारे जैसे लोग होते हुए कितने ही निर्भया केस आ जाएं, मेरे जैसे लोग निडर घूमते रहेंगे। ओके भाई, टेक इट। चीयर्स। पैसे चाहिए ना? हेलो। थैंक यू। यादव भाई, ये यहाँ क्यों आया था? बस एक छोटा सा सेटलमेंट था, अब आ ही गया था तो कर ही दिया, खुश करके भेजा है मैंने उसको। वैसे क्या एंट्री ली है? बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें, तो कुछ करने का मन कर रहा है। पसंद आ गई तो खरीदने के लिए लड़की को एंड्रॉइड फोन समझ रखा है क्या? यही बात तेरी माँ या बहन के सामने बोल सकते हो? हाँ, सीट कर लाओ इसे। बचकर जानी नहीं चाहिए, वो मारो उसे। We'll be right back.
हेलो। क्यों बे, आ रहा है या नहीं? ओए, कितनी बार बोलूंगा, एक बार में समझ नहीं आता तेरे को क्या? लगता कि तू ऐसे नहीं मानेगा। शंकर, शंकर। ए, तुम वहाँ क्या कर रही हो? शंकर, मुझे बचाओ। शंकर। पहले यहाँ आकर काम देख ले, क्या सीन चल रहा है, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। पूजा कहाँ है? मुझे जो चाहिए वो कितना भी मुश्किल हो, जो नहीं चाहिए वो कितना भी पॉजिटिव हो, नकारने की हैबिट है हमें। तेरी हैबिट रैबिट से मुझे क्या लेना देना? पहले पूजा कहाँ है ये बता। पूजा कहाँ है ये बता। बता कहाँ है पूजा। हंसता क्यों है? पूजा को कुछ हुआ ना, मैं से किसी को नहीं छोड़ता। कितना भी मार ले वही बोलूंगा। वो हार्ड डिस्क का लॉक ओपन करके दे और उसके बाद हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। उसे टॉर्चर भी नहीं करेंगे। पूजा कहाँ है बोला। हे कूल, बैठो ना, बैठो बैठो। कम बेबी, कम ऑन, यू कैन डू इट। हार्ड डिस्क। हे पूजा कहाँ है, कहाँ छुपा रखा उसे? क्या पूजा पूजा लगा रखा तूने? जितना काम का है उतना काम कर पहले, नहीं तो तुझे और तेरी पूजा को ना ऊपर पहुंचा दूंगा मैं। वन टू देन वी डू फास्ट। हार्ड डिस्क ओपन हुआ है। फोर Then we do fast. Hard disk open hua hai. Seven. वो गच्ची बौली और लिंगम पल्ली के बीच में है सर। Exact location क्या है? Eight. Nine. Ten. अरे हो गया भाई, हो गया, तुमने कर दिया। लिंगम पल्ली फैक्ट्री गोडाउन सर। यस, हमने उन्हें ट्रेस कर लिया। यस यस यस, हमने कर दिखाया। भाई भाई पुलिस, भागो भागो यहाँ से। सर सर, गोल्डन चांस है, बम्पर ऑफर, हमारी जिंदगी की सबसे बेस्ट डील होगी सर। बम्पर ऑफर है या कुछ और, मैं बताऊंगा, पहले वो एक्साइटमेंट को कम करके असली बात बताओ। पूजा को लेके जाओ यहाँ से। पूजा कहाँ है? पूजा के बिना हार्ड डिस्क नहीं दूंगा। बिरजू भाई के खास आदमी को अरेस्ट करने जा रहे हैं सर, और अरेस्ट करके यही लेकर आएंगे। ठीक है। अगर हम उसकी जेल से भागने मदद करें या उसे टाइम आने पर मार दें तो फायदा तो अपना ही है सर। सोचिए, हम करोड़ों कमा सकते हैं। क्या सर, आपकी शक्ल देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप बिरजू भाई से बात करना चाहते हैं? बिरजू भाई से संबंध है क्या? क्या सर, इतना भोला बन रहे हैं आप। सर वो यहाँ हर किसी को हफ्ता देता है। हाँ, आप तो ऐसा बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। बात करनी है आपको, मैं कराता हूं, रुकिए, लीजिए। हेलो। बिरजू भाई खुद फोन करेंगे आपको। हेलो मिस्टर एसीपी, तुम्हारी एक्टिंग की दाद देनी चाहिए। ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस, पर अब बस कर,
तेरे ऑफिस के अंदर मेरे लोग, बाहर घूमने वाले मेरे आदमी, कुल मिलाकर सारे सरकारी दफ्तर मेरी मुट्ठी में। पर ये बिरजू तुझे ऐसा नहीं करने देगा। मेरा सिक्स ही नहीं, सेवन सेंस भी काम करता है। और क्या पता है मेरे बारे में? जहां जहां तुमने फ्रॉड देखा, वहां वहां सदाचार को नहीं, मैंने भ्रष्टाचार को जिता। पुलिस को परेशान करने वालों का तुम एनकाउंटर करते हो? एसीपी बोल रहा हूँ, जिस मौके का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई, उनको खत्म कर दो। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट। ओ एसीपी, उस लड़की को पैसे देकर मदद किया? लड़की है ना। देख बेटा, ये समाज तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम्हें कभी भी नहीं समझेगा। तुम्हें न्याय दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। वो बैग मुझे दे दो, ये पैसे लेकर कहीं दूर जाकर शांति से जी लो। और क्या क्या जान गए मेरे बारे में? बहुत कुछ जानता हूँ। ड्रग्स केस में फ्रॉड करके तुमने करोड़ों रुपए लूट लिए, और एनकाउंटर में तुमने लाल सिंह को मार दिया। करेक्ट है। इस बिरजू भाई को पकड़ने के लिए तुमने हर जगह अपने खबरी लगा दिए, और छोटे से स्टेशन में बैठ कर तुमने इतना बड़ा जाल बिछाया। पैंतीस सालों के मेरे एक्सपीरियंस में जो बातें मुझे नहीं पता थी वो तुमने बताई। डियर ऑफिसर्स, यू आर ऑल आर सस्पेंडेड। शाबाश बिरजू भाई, इतनी सारी बातें पता है, फिर तो ये भी पता होगा कि कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें खत्म। तुझे पता ही नहीं है एसीपी, मैं तुझे भी एक दिन खत्म कर दूंगा। वेरी गुड, मैं भी एक बात बोल रहा हूँ, सुन लो। अब्दुल कलाम ने सपना देखा था कि अनुपरीक्षा सफल होगी, ये एसीपी बोल रहा है जल्दी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुझे खत्म करने के लिए एक सेकंड ही काफी है। उसे एक पल का हजारवां हिस्सा ही मेरे लिए काफी है तुम्हें ठोकने के लिए। ऑलरेडी तुम्हारा गैंग का एक खास बंदा अरेस्ट हो गया है। ए बिरजू, तेरे हाथ की हथकड़ी और तुम्हें मारने के लिए मेरे गन के बुलेट्स तेरी वेट कर रहे हैं। वेलकम टू हैदराबाद। बुलाया था आपने? वहां क्या हो रहा है? मेरा भाई किधर है? भाई उसे एसीपी क्या उखाड़ लिया तुमने उस एसीपी का? हा? मेरे भाई को भी बचा नहीं पाए। बात करता है, वो एसीपी बड़ा खतरनाक है भाई। कब के क्लोज हो चुके केस का जजमेंट देने वाला आखिर वो एसीपी कौन होता है?
एक एसीपी को जो कंट्रोल में नहीं रख पाया उसको राउडिज्म की क्या जरूरत है। कितनी बार बोलूंगा। कूल 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 बिरजू भाई, कूल कूल बिरजू भाई, आई कैन अंडरस्टैंड। बैठ जाओ भाई। भाई उस एसीपी को मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ तो कर, मुझे तो सिर्फ मौत की खबर सुननी है, उस एसीपी की या तुम्हारी। हाँ क्या बोलते हो? नाउ गो। ठीक है भाई अब चलता हूं। हाय बेटा। हाय डैड। इतनी देर क्यों करते, कब से भूख लग रही है, चलो नाश्ता करते हैं। अगर भूख लग रही थी तो खा लेते, मेरे लिए क्यों वेट किया? तुम्हारे बिना कभी खाया क्या मैंने जो आज खाऊंगा? चलो नाश्ता करते आओ। ओके। ऐसा लाड प्यारी डुबा देता है, देखते जाओ। अजी सुनती हो? मम्मी जल्दी आओ ना प्लीज। अभी तक तो भूख नहीं लग रही थी आपको, बेटी को देख के भूख याद आ गई। खाना परोसो जल्दी, खुद भी तो परोस सकते हो। नानी जल्दी आओ, ये बाप बेटी सारा खाना खत्म करने वाले हैं। बैठो बैठो, देखो सारा खा रहे हैं। क्या बात है डैडी, आज तुम मम्मी के हाथ का नाश्ता उंगलियां चाट कर खा रहे हैं। टेस्टी लगा? जबरदस्ती खिला रही है, क्या करूं फिर। अच्छा जबरदस्ती ये सब खा रहे हैं? अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, बेटी से जोक कर रहा था बस, जो भी बनाया थोड़ा थोड़ा दे दो, सब खा लूंगा मैं। जोक जबरदस्त था डैडी। जोक तो छोड़ो, इतने आराम से खा रही हो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज कॉलेज का बंक है, मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर करवाना है, पैसे दे दो ना। पढ़ाई कर रही है इंजीनियरिंग की, वो भी एससी, अपना लैपटॉप खुद रिपेयर नहीं कर सकती? पॉइंट है, फिर भी पैसों की क्या जरूरत है, ऊपर शंकर है ना, फ्री में रिपेयर कर देगा। डियर मदर एंड डियर ब्रदर, मैं वॉशिंग मशीन या सिलाई मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल लैपटॉप की बात कर रही हूँ, बोलिए ना डैडी। उसका पर्सनल लैपटॉप है भाई। मैं भी वही कह रही हूँ, शंकर तेरा पर्सनल लैपटॉप ही नहीं, दुनिया का कोई भी लैपटॉप मिनटों में ठीक कर देगा। बाबू शंकर। आंटी। मेरी बेटी का लैपटॉप खराब हो गया है, रिपेयर कर दे बेटा। दे दीजिए, ठीक कर दूंगा। मुझे थोड़ा काम है, आप देख लेना बेटा। मम्मी यहाँ क्यों ले आई हो मुझे, इसे कुछ भी नहीं आता। तुम भी ना माँ, तुमने तो आज मेरा पूरा टाइम वेस्ट करवा दिया। हाँ भैया ये लैपटॉप जल्दी ठीक कर दीजिए प्लीज। नो चांस, इसको तो भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, बेकार में टाइम वेस्ट होगा, ले जाइए। वाओ ग्रेट। ये क्या, सर्विस सेंटर ले जाने से मदरबोर्ड ठीक नहीं है बोल रहे थे? उसको तो कुछ भी नहीं आता था, पर हमारे किराएदार ने फौरन ठीक कर दिया। अच्छा कौन है वो? जेम्स बॉन्ड फिल्म का इंटेलिजेंस ऑफिसर लग रहा था, मुझे तो उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। कहाँ से आया है, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड? रिपेयर के लिए मम्मी से पैसे मांगे थे, ऊपर शंकर है कहकर मुझे ले गई। जनरल मैकेनिक के पास इतना मैटर है क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या?
गुरुजी के पास सुपर मैटर है। मैं भी उस मैटर को टेस्ट करना चाहती हूँ। कैसा टेस्ट? मेरा भी लैपटॉप खराब हो गया है, सो टेस्ट कराना चाहती हूँ। कौन सा लैपटॉप? मेरा पर्सनल लैपटॉप। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रिपेयर करवा लूंगी। ये सब नहीं चलेगा, वो जीनियस को हम खुद देख लेंगे, परिचय कर लेंगे। ओए, कौन हो तुम सब? पूजा? कौन पूजा? ए, अब इतनी जेंटलमैन की एक्टिंग मत करो बॉस। चलना, मैं क्यों एक्टिंग करूंगा, नॉनसेंस। पूजा कौन है मैं नहीं जानता। अरे भूल गए, सुबह आई तो थी लैपटॉप रिपेयर के लिए। ओहो, तुम ही हो पूजा। वैसे मैं काम में बिजी था ना, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। तो बिना एक्सप्रेशन के रोंदू सी शक्ल बनाकर मुझसे क्यों लड़ने आए हो? ध्यान नहीं दिया बोल रहे, तू बाजू हट। ये तुम सिस्टम सर्विस करने में स्मार्ट हो ना, मेरा भी सर्विसिंग कर दो। सर्विस? कैसी सर्विस? मेरा सिस्टम। क्या कहा? मेरी भी बहुत ढीली हो गई है, टाइट करना है। मतलब? मेरा लैपटॉप का स्पेयर पार्ट्स। ओ, बच गया। ओ, और तुम्हारा? मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो सब पूरा कर दो। तुम्हारी विशेष, मैं पूरी करूं? YouTube में सिनेमास देखना है। ओहो, विकिपीडिया में बायोडेटास पढ़ना है। बस इतना ही? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने सोचा था तुम फास्ट होंगी, नहीं तुम सब स्लो। लड़कियों को पटाने के लिए जितना कंपटीशन लड़कों को है, उतना ही कंपटीशन लड़कियों को भी होता है। फिर तुम्हारे जैसा मिलना तो मुश्किल है ना। मर्दों के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च है, मतलब आप सबकी नजर मुझ पर है। मुझे सावधान रहना होगा। अब आप चुम्मा दोगे, हग दोगे, किस दोगे, आपकी मर्जी। हाँ? जो भी होगा वो सब रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में, फेसबुक में भेजना मेरी आदत है। तुम्हें ओके है तो मुझे भी ओके है। कम ऑन। बाबा रे, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, खिलाड़ी है, पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। हमारी बस की बात नहीं है, इसके लिए तू ही सही है। बस ये और ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो, अरे 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 जाने तुम मुझे, छोड़ो। अरे अरे अरे, आग लगा के कहाँ जा रही हो जाने मन? हे बॉस, हम बड़े लोगों का स्टाइल ही कुछ अलग होता है, बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? ये लड़की मामूली नहीं है, वेरी स्मार्ट। नो नो, वेरी हॉट। नहीं भाई, इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। गुरुजी को सॉफ्ट सिनेमा की बजाय एडल्ट सिनेमा दिखाया था क्या? बिना इंटरवल के ही कंटिन्यू करना चाह रही थी मैं, मगर पहले ही दी एंड करना पड़ा। ए, दी एंड बोल रही हो? क्या क्या किया रे? बताने से मजा नहीं आएगा, वो तो देखना ही पड़ेगा। घर पर तो कोई भी नहीं है, ये चला कहां गया? हाँ,
तो आप यहाँ पर बैठे हैं, इस सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं, और मेरे सिस्टम का क्या होगा? यहाँ नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा, मेरा तो काम ही है ये। इस सिस्टम के सामने बैठकर बड़ा बन रहे हो, और मेरी फीलिंग्स का क्या होगा? कैसी फीलिंग्स? मुझे तुमसे क्या चाहिए तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? क्या चाहिए तुझे? चिकन चाहिए, बनवा दूंगा। मिठाई चाहिए, मंगवा दूंगा। पायल चाहिए, दिलवा दूंगा। बताना क्या चाहिए तुझे? मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे जो चाहिए पता नहीं क्या बात कर रही है, पास जाके सुनता हूँ। और जानते हो फिर क्या हुआ? बता दो सब बता दो। हाँ लड़की जरा उठो, केक भी लेके जाओ। अभी तुम कुछ बता रही थी ना, जो तुमने किया था या मैंने करवाया था। मुंह खोलो, बताओ। वो मैं सपने में देख रही थी। सपना? ज्यादा चालाक बन रही है। अगर तुम सबको ऐसे बताओगी तो वो सच नहीं मानेंगे क्या? जो जो सपने में सोचा था वो करवाना तुम्हें मंजूर है ना? बाप रे, तुम बम हो तो ये न्यूक्लियर बम है। बहुत डेंजरस हो यार तुम लोग। शंकर, पैसे भेजने के लिए बोलते हो, तेरे पास अकाउंट तो है नहीं, मैं ऑनलाइन कैसे भेजूं? समझ में नहीं आता तेरे को? वहां के देता हूँ, फोन रख। क्या है भैया? कैसे भी हमारा काम करता। अबे तू कैसे क्या कभी अभी करके शुरू मत हो जाना। मैंने बताया था ना ये काम नहीं करूंगा। क्यों पीछे पड़ा है? जब मुझे नहीं करना तो नहीं करना, समझ नहीं आता क्या? क्योंकि ये काम तुम ही कर सकते हो। ए, तेरे को शर्म वरम नहीं है क्या? लड़की होकर मर्दों की तरह सिगरेट पीती रहती है, और ये जोकर सी शक्ल, लंबे लंबे बाल, एक दुमना सारे के सारे गिर पड़ोगे। बता रहा हूँ तेरे को। कूल कूल। अरे तो क्या करूँ, समझ में कहाँ रहे तुम्हें? अब की बार मेरे सामने आ गया ना तो बता रहा हूँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो बॉस, हेलो बॉस, प्लीज रुको। ओए, जो बोला वो कर। डोंट वरी भाई, किसी भी तरह से उस हार्ड डिस्क का लॉक ओपन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। देर मत कर बेवकूफ, डू व्हाट आई से नाउ। ओके भाई। हे कूल, व्हाट हैपेंड डार्लिंग? भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आफ्टर ऑल एक हार्डवेयर के बंदे को डील ना कर पाना मुझे बहुत इंसल्टिंग लग रहा है। एक हार्ड डिस्क को ओपन करना बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, और ये काम उसके सिवा और कोई कर भी तो नहीं सकता। ऑपोजिट पर्सन से जब काम हो तो वीकनेस के मुताबिक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हिस्ट्री में हर एक वॉर के पीछे एक लेडी होती है। उस हार्ड डिस्क ओपन करने के पीछे ये लेडी रहेगी। पर कैसे? आई विल हैंडल, यू डोंट वरी। तुम मेरे घर में क्यों आई? तुमसे बहुत कुछ बात करने का है। तेरे से बहुत कुछ काम है। चलट। सुंदर सी लड़की तेरे पास आ गई तो क्यों आई हो? कौन बोलता है? चलट। ए, दूर रह मुझसे। अरे मेरे को काम करने दे तेरे को। अरे कैसी लड़की है तू, दूर रह मुझसे। डोंट टच मी। 36 24 36, परफेक्ट फिगर, कुछ भी कर सकते हो। अगर अपनी पे आ गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हट। ए हट। ए, लड़की की सुंदरता साई से नहीं होती, चरित्र, विनम्रता और सही बर्ताव इससे होती है। अच्छा मौका मिस कर रहा है, तुम्हारे लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। ए चल बाहर निकल। तेरे जैसी लड़की हाँ बोलेगी तो मर्द अपना सब कुछ बेच कर तेरे पीछे पीछे आएगा,
ये तेरी गलत फहमी है। आदमी को तुम्हारे लटके झटके नहीं चाहिए, बल्कि दिल को दिल से प्यार करने वाली लड़की चाहिए, जो कि मेरे पास है। यू कैन गो, गो। इसको देख के क्या ये इतना फुदक रहा है? कौन थी वो? क्यों आई थी यहाँ? अरे वो कचरा थी, लीव इट ना। वो मुझे इतनी देर से घूर रही थी और तुम कहे तो लीव इट। अरे ऐसे लोगों को भाव देने की जरूरत नहीं है, छोड़ ना। वो मेरे घर पर आकर मुझे घूर गई और तुम कहते छोड़ दो, दिस इज टू मच। लो शुरू हो गया लड़की का ड्रामा। तुम्हारी इनफीरियोरिटी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। क्या समझ गए तुम? अरे अरे रो मत, इधर आओ। अरे सुनो तो सही, सुनो। लाइफ में हमें कई लोग मिलते रहते हैं, लेकिन हम सबसे पहचान थोड़ी ना बढ़ाते हैं। वो लाइफ में आते जाते रहते हैं, पर मेरी लाइफ में हमेशा सबसे पहले तुम ही रहोगी, ये मेरा वादा है। प्रॉमिस ना। अपनी कसम। सच्ची? तुम्हारी कसम? है? हमारे प्यार की कसम। मस्तानी मेरी कुड़ी, मस्तानी कुड़ी, मस्तानी तेरी कुड़ी, मस्तानी। चार पैसे लाऊं तुझे गजरा लगाऊं, चार पैसे लाऊं तुझे गजरा लगाऊं। मेरी मोती है दांत, क्यों गजरा लगाए, क्यों पैसे लुटाए। तेरी कुड़ी मस्तानी, हाँ तेरी कुड़ी मस्तानी, तेरी कुड़ी मस्तानी, हाँ तेरी कुड़ी मस्तानी। कड़क नोट लाऊं या चांदी दिलाऊं, कड़क नोट लाऊं या चांदी दिलाऊं। मेरा रूप रंग मस्त है, क्यों नोट चाहिए, चांदी क्यों चाहिए। केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन, हाँ। पायल लाऊं या घुंघरू दिलाऊं, पायल लाऊं या घुंघरू दिलाऊं। मेरा सुंदर बदन तो पायल क्यों चाहिए, घुंघरू क्यों चाहिए। केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन, हाँ। हीरो बन जाऊं या विलन को लाऊं, हीरो बन जाऊं या विलन को लाऊं। बताना मेरी रश के कमर तो हीरो क्यों चाहिए, विलन क्यों चाहिए। केडी नंबर वन मेरा, केडी नंबर वन, हाँ। सुनना खड़कती चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं, चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं, चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं, चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं। राजा तुम जैसा हो तो ना चूड़ी चाहिए, ना पायल चाहिए। केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन, हाँ। जाऊं या सीरियल दिखाऊं, सिनेमा ले जाऊं या सीरियल दिखाऊं। हीरो मेरे घर में क्यों सिनेमा जाए, क्यों सीरियल भाए। केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन, हाँ। चिकन लाऊं या मटन दिलाऊं, चिकन लाऊं या मटन दिलाऊं। मैं गोरे गालों वाली हूँ, क्यों मटन खाए, क्यों चिकन खाए। केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन, हाँ। कुड़ी मस्तानी मेरी, कुड़ी मस्तानी, कुड़ी मस्तानी तेरी, कुड़ी मस्तानी। हाय हाय, ऐसे मार, ऐसे मार, मार मार मार, फिर मार, मार 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 मार, फिर मार। We'll be right back.
स्वीट किस और एक हॉट हग चाहिए तुमसे, फिर बताऊंगी। आई एम ओके, पर तुम बहुत रोमांटिक हो। वो सब शादी के बाद। हाँ, देखने में केड़ी लगते हो, लेकिन तुम्हारा काम हमें पसंद आया। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे बिजू, मरने के लिए इतनी जल्दी क्यों है? क्या बात है, शॉर्टकट में आ रहे हो? मैं शॉर्टकट से नहीं आ रहा हूं, तुझे शार्प शूटर बनाऊंगा। शंकर तेरे पास है ना, उसको मार दे, वरना मैं उसकी लवर को मार दूंगा। हे, क्या मारेगा रे तू? मेरी पूजा को खिलौना समझ रखा है क्या? शंकर, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम डरो मत पूजा। अबे लड़की को कुछ मत करना, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो मेरी जान है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसको छोड़ दो। मार डालेंगे, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। मैं तुझे बचाऊंगा पूजा। ए, ए, प्लीज लड़की को कुछ मत करना। मारेगा कि नहीं? ए, क्या किया वहाँ? ए, मारेगा कि नहीं? नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। मार दूं? मार दो। 1, 2। ए, ए, लड़की को कुछ मत करना। गोली मार देते हैं सर। ऑर्डर कीजिए सर। सर गोली मार दो। रुको, मैं कहता हूँ। गोली सर, गोली, गोली सर, मार देते हैं इसको सर। गोली सर, गोली। एक मिनट रुको। गोली सर। 3। ए, 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 मैं कहता हूँ ऐसा मत करो। वहाँ तुमने जो किया, वही मैंने यहाँ किया। तुम उसे शूट कर दो, वरना वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। सर, सर वो उसे मार देंगे सर। सर आप समझ नहीं, मुझे मार दो सर, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो। ए, रुको, कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। समझते क्यों नहीं आप? समझा करो ना सर। अरे सर क्या कर रहे हो सर, मुझे मार दो सर। सही सर, अरे सर प्लीज शूट ना। सर तुम्हें मार देते हैं सर। वैसे भी कुछ नहीं है सर। बोलिए सर, मार देते हैं सर, मार दो इसे सर। सर बोलिए, इसको शूट कर देते हैं सर। कहाँ भाग रहा था बे? राज्य में कुछ दिनों से चल रहा बच्चों के किडनैप्स के बारे में जानने के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। पुलिस के साथ बच्चे भी हैं या नहीं अभी पता नहीं चल रहा है। इस मामले के बारे में जानने के लिए बच्चों के माँ बाप और जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर 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 सर, सर मुजरिम को पकड़ लिया गया है। आप बताइए, जनता जानना चाहती है सर, आप ऐसे क्यों नहीं रहे सर? सर बताइए, क्या यही कातिल है सर? सर बच्चे सही है नहीं है सर, बोलिए सर, जवाब दीजिए सर। आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए कोई लॉयर है क्या? जरूरत नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ दूंगा। वो क्यों? जब समाज गूंगा हो जाता है, कानून सो जाता है, पाप बढ़ जाता है, चारों तरफ अन्याय ही अन्याय हो रहा होता है, तो मेरा न्याय मैं खुद करूंगा सर। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा केस मैं खुद लड़ूंगा, मैं ही युद्ध करूंगा। योर ऑनर प्रोसीड। योर ऑनर, केडी नंबर 1 नाम का ये मुजरिम कई छोटे छोटे बच्चों का किडनैप कर चुका है और ये खतरनाक मुजरिम है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में रखकर जन्म देती है और ये उनका किडनैप कर लेता है। आईपीसी की धारा 366A और 359 के मुताबिक इस मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बच्चे के माँ बाप को इस कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहता हूँ। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, अब बच्चे के पेरेंट्स अपना पक्ष रखेंगे। मेरे इकलौते बेटे को ये नीच उठा कर ले गया सर। मैं बच्चे को लेकर बाहर टहल रही थी, तब बच्चे को उठा कर ले गया सर। कई सालों के बाद हमें एक बच्चा हुआ था सर, और ये आदमी उस बच्चे को उठा कर ले गया। इसे छोड़िएगा मत सर, ये पापी है सर। प्यार, दया, क्षमा,
ये कुछ नहीं जानता, ये समाज के लिए खतरा है योर ऑनर। नहीं 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 योर ऑनर, मुझे माँ बाप की कीमत पता है, माँ का प्यार पता है, बाप का दर्द जानता हूँ मैं, माँ का प्यार जानता हूँ, बाप की अहमियत पता है, माँ और बेटे के लगाव के बारे में पता है मुझे, वो भगवान भी तो मेरी तरह ही एक माँ का बेटा है, मुझे पता है सर, सब पता है मुझे, सब समझता हूँ मैं योर ऑनर। ये सब जानते हुए भी बच्चों को किडनैप क्यों किया तुमने? गुस्से में योर ऑनर, गुस्से में, इस समाज पर गुस्सा है, इस जनता पर गुस्सा, इन माँ बाप के ऊपर गुस्सा हूँ मैं। और इसलिए तुमने ये सब अन्याय किया? अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, इस देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है योर ऑनर, लेकिन ये समाज बच्चों के हाथों में भविष्य नहीं दे रहा है, हाथों में कलम और किताबों की जगह घर के काम में लगा दिया या किसी धंधे में सौंप दिया, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, ड्रग्स, हथियार थमा दिया, उनको देशद्रोही बना रहे हैं सर, देशद्रोही बना रहे हैं, देशद्रोही, देशद्रोही, क्रिमिनल्स, किलर्स, रेपिस्ट, ड्रगिस्ट, सैडिस्ट, कहीं अलग जगह से पैदा नहीं हो रहे हैं सर, ऐसे माँ बाप के कारण ही पैदा हो रहे हैं। नो योर ऑनर, देखा आपने किस तरह ये अपराधी इन्हीं के बच्चों को किडनैप करके इन्हीं को दोषी साबित करने पर तुला है, केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ योर ऑनर, बच्चों को गलत रास्ता दिखाने वाले माँ बाप की बात कर रहा हूँ। ये एक रियल स्टेट व्यापारी है, बेझिझक जमीन पर कब्जा करता है, बेशुमार दौलत कमा के एक और औरत के साथ रह रहा है, उसकी बीवी के पास कमाने का जरिया नहीं था, इसलिए पेट पालने के लिए अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा करके कमाने के लिए होटल भेज दिया। ऐसा आदमी बाप कहलाने लायक नहीं है और ऐसी औरत माँ कहलाने लायक नहीं। इन मियाँ बीवी को देख लीजिए, कहने को तो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, रात को पब जाते हैं, स्कूल से वापस आने के बाद बच्चा कमरे में अकेले रहता है, अकेले रहते रहते सोचता रहता है और सोचते सोचते मानसिक रोगी बन जाता है। उस बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचने वाले ऐसे माँ बाप को उस बच्चे की क्या जरूरत है? इसको ले लीजिए, ये एक मूर्ख बाप है, इसकी बीवी घरों में बर्तन मांझकर कमाकर परिवार की देखभाल करती है, तो ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, बच्चे के स्कूल बुक्स को भी बेचकर पी पाकर बच्चों को काम पर भेज देता है। जज साहब, हर आदमी को बच्चे को जन्म देने का हक है, पर उस बच्चे का भविष्य बर्बाद करने का हक किसी माँ बाप को नहीं है सर, किसी भी माँ बाप को नहीं। इस समाज में हर माँ बाप पैसा पैसा पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है योर ऑनर। ऐसे माँ बाप बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं सर, इसलिए मैंने इन बच्चों को किडनैप किया था, ऐसे ही बच्चों को किडनैप किया था सर। योर ऑनर, ये छोटे बच्चों को किडनैप करके विदेश में एक्सपोर्ट करता है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ योर ऑनर। नहीं 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 योर ऑनर, ये सरासर झूठ है योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। बच्चे मेरे पास ही है योर ऑनर, खुद देख लीजिए। ये लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, वो आपकी तरह जज बनना चाहता है सर। बताइए सर, जो उनको पसंद है क्या वो बनने का उनको हक नहीं है? उनका भविष्य सुनहरा बनाने के बजाय उनको काम पर भेजना कहां तक सही है? ये सब करने वाले तुम कौन होते हो? गौतम हमेशा जीतता है, गौतम से जीतने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। ए! पैदा हो चुका है बे। ये तेरे को पता है, बहुत पहुंचा हुआ है। ए, कौन है बे तू? टेल मी,
गौतम से जीतने का सपना देखने वाला कौन मर्द है बे तू? मूंछ रखा हर बंदा स्टार नहीं है, दाढ़ी रखा हर बंदा मर्द नहीं है बे। अच्छा चैलेंज क्या है ये बता। मेरे से पुशअप में जीत के दिखा। हाँ रेडी कम ऑन। वाव सिटी ऑल टाइम विनर गौतम वर्सेस जैक। टिप्स बैटल स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1 गो। ये ग्रेट है, ऐसा बंदा साथ हो तो पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं। उसको तो हम जानते नहीं है ना। जाकर परिचय करेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे? वर्ल्ड में द बिगेस्ट वेपन लव है। चलो दिखाती हूँ। चल वेलकम, दिस इज माय रूम। हाँ मेरी बोर्ड मीटिंग की टाइम हो गई है, मैं बाद में कॉल करूंगी। आओ। हाय डैड। I am feeling lonely. Can I spend some time with you? तुमको दिखता नहीं है मैं काम कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से। Sorry, Dad. Well, sexy. See you soon. कहाँ है वो? वो रहा वहाँ। ये क्या? मेरी girlfriend के साथ मजे ले रहा है? चल चल।
ए, मौत सट्टा मार रहा है बे। वहां क्यों डाल रहा है बे? यहां दे। हट बे, कितनी बार समझाऊं मैं उसको, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहा है वो वहां। ए, चलना, मैं कंट्रोल में नहीं हूं अभी। मेरा सर कमरा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। Yeah, dear. वो गौतम हम दोनों को देख के जल रहा है ना, बड़ा मजा आया। क्या कर रहे हो बेटा? आंटी अभी तक सोई नहीं है, आप जाग रही हैं, मेरा वेट कर रही हैं। कौन है? आप अभी? She is my caretaker, more than my mother. कौन है ये? She is my friend, my girlfriend, my ओके जान, बाय। हाँ, बाय 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 बाय, अंदर आ जाओ बाबा। बाय बाय स्वीटी, वी विल मीट टुमारो एट सेम प्लेस सेम। ए आंटी, आप सो क्यों नहीं रही हो? अंदर आ जाओ बाबा, कोई देखे तो अच्छा नहीं लगेगा। आई लव यू आंटी। ये गॉगल पहनो आप। क्या है ये? बाबा देर से आया है ना, रिच कल्चर है हमारा। यस, लड़कियों के साथ आ रहा है अम्मा जी। वो लड़का है, घूमना तो चाहिए ना। रिजैक, तू अंदर जाकर रेस्ट कर। जा बच्चा। आई लव यू मम्मी। गुड नाइट। क्या है, उसको वार्निंग दे रही हो? तू आया है, आया की तरह रह, ज्यादा मत बन, नौकरी से हाथ धो बैठेगी। अंदर चल। मुझे कुछ पैसे चाहिए, कैन यू हेल्प मी? मैं नहीं करूंगी, पर मैं कमाने का तरीका दिखाऊंगी। व्हाट इज दैट? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करूंगी। ओके। जैक से मिलवाऊंगी। आ, जैक, शी इज माई फ्रेंड मेघना, मेघना राजपूत। शी इज हैविंग सम प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तुझसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। आई लाइक योर एटीट्यूड। क्यों बे, मुझे हरा कर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है? क्या समझता अपने आप को? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मिनिस्टर, मिनिस्टर का बेटा हूँ। तो डर जाऊँ क्या? डरना पड़ेगा बे, सब कुछ बैंड करके कुत्ते की तरह पूछ हिला के इधर उधर घूमना पड़ेगा। मारो इसे, छोड़ना मत। ब्रो, आई वांट वन सिगरेट प्लीज। सिगरेट चाहिए? तो फिर मार लेना। ए, सिगरेट दे। थैंक यू, थैंक यू। हो गया? Hey!
यू आर माई क्लोज फ्रेंड। जैक थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। चल मैं थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। मैं अपनी लाइफ में जो भी करता हूँ ओपनली करता हूँ, बात करने के लिए प्राइवेसी की क्या जरूरत है? जो भी है यही बता दो। ये मेरी लाइफ से संबंधित है, तुझसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? मुझे 10 लाख चाहिए। 10 लाख मैं क्यों दूँ? मुझे तुमने यूज किया है इसलिए। क्या ये गिव एंड टेक पॉलिसी है? डोंट बी सिली, लेट्स एंजॉय द पार्टी। जैक इट इज सीरियस, नहीं दोगे तो इशू बनाऊंगी। मजाक कर रही हो? आई एम नॉट अ कॉमेडियन। बताओ कब दोगे 10 लाख रुपए, बताओ। नहीं दिया तो क्या कर लूंगी? इशू बनाऊंगी। आई एम जैक, धमकी दे रही है, इशू बनाएगी? तेरा ये इशू मेरे लिए टिशू के बराबर है। देख जैक, मेरे बारे में तुम अच्छी तरह जानते नहीं हो। धमकी दे रही है, जो उखाड़ना उखाड़ ले, चल फुट चल। छी ए टकले। ये बस भी बहुत शानी बन रही रहेगा, चलना यहाँ से। अब चलना, अब चलना यार, कितना पिएगा? उठ ना, उठ यार, उठ उठ ए, उठ जा जल्दी। तू मेरा यार है रे, एकश तुम्हार, मारना यार मार। चल 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 चल। भाई जैक पी के टुल हो रखा है भाई, उसको मारने का अच्छा मौका है भाई, बोले तो अभी टपका देते हैं उसको। चलो भाई चल चल। ये भाई बहुत मजा आ गया तेरे को। अरे आराम, कौन है बे? ए भाई ये सही समय नहीं है। सही समय तो तेरा अब आया बे। उसे मत मार भाई, उसको कुछ भी नहीं पता है। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आएगा, आज कोई नहीं बचेगा, ना तू बचेगा ना वो बचेगा। छोड़ दो ना शिवा को, छोड़ दो। अब क्यों गिर गया शिवा? शिवा गौतम हटा, शिवा अरे उसे छोड़ दो यार, उसे कुछ भी नहीं मालूम। छोड़ दे छोड़ दे, अरे यार छोड़ दे उसे। ए भाई 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 शिवा मत गया, ये चल 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 चलो 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 निकलो यहाँ से। शिवा शिवा ए शिवा देख ना मेरी तरफ, देख देख भाई। शिवा हे शिवा 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 Why you people came here? Huh? She's pregnant because of you. Mummy, मैंने I don't want any explanations from your side. सभी सबूतों के साथ आई है ये लड़की. डैडी ऐसा कुछ ये नंबर के जानवर हो तुम?
औरों के बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तुम्हारी तरह अपने माँ बाप का अपमान नहीं करते। हम सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम खुश रहो, अच्छी लाइफ जियो, ये नहीं कि तुम आवारागर्दी करो। सारा दिन आवारा की तरह घूमते रहते हो, बदमाशों की तरह गुंडागर्दी करते रहते हो, लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, ड्रग्स लेते हो, शराब पीते हो, लड़कीबाजी करते हो। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं करते हो? ये कपड़े देखो अपने, बाल देखो अपने, हाँ? छी, मुझे शर्म आती है तुम अपना बेटा कहते हुए। तेरी खुशी के लिए एक नॉर्मल किड के अंदाजे से भी बढ़कर सुविधाएं दी हैं। तुम एक चोर, ड्रगिस्ट, लड़कीबाज, निकम्मा निकलेगा, हमने कभी नहीं सोचा था। छी, एथिकलेस काम सोचने से भी शर्म आ रही है। ऐसा सैडिस्ट कैसे बन गया तू? I am sadist. Sadist हूँ मैं। जैसा तुमने बोला, एक पियकर हूँ मैं, लड़कीबाज हूँ मैं, और खुल के बोलूँ तो एक मेल प्रोस्टिट्यूट हूँ मैं। लड़की पसंद आई या नहीं आई, किसी को भी नहीं छोड़ा मैंने, और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। हम हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? Yes, आपके पैसे के पागलपन की वजह से मेरी यह हालत हुई है। आपको अपनी जिंदगी में बस दौलत, बंगला, स्टेटस यही नजर आता है। आप लोगों की वजह से मेरी यह हालत है आज। समाज की नजर में आप लोग सिर्फ माँ बाप हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पैदा किया है, पर बेटा नहीं समझा। छी, क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? मैं पूरे होशो हवास में सोच समझ कर कह रहा हूँ। आप लोग पैसा, ओहदा, प्रेस्टीज, घमंड के हैंगओवर में जी रहे हैं। तुम्हारे बुरे बर्ताव के लिए हम कैसे कारण? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ। माँ, पैदा होते ही मुझे इनाया के हाथ में दे दिया, न दूध पिलाया, न लोरी सुनाई, न खिलाया, न गोद में लिया, न लोरी गाई, न मेरी नाक साफ किया, और न ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं आप ही का बेटा हूँ। ये सब इनाया ने किया, तुमने मुझे जन्म देने के सिवाय किया ही क्या? ओले मेरा सोना, थोड़ा सा खा ले बेटा। खा लो। मुझे चोट लगती, मैं आया को कहता, रोना आता, मैं आया को बोलता, खेल खेल में गिर जाता तो आया को बुलाता, स्कूल में टीचर मारती तो आया को बोलता। आपको क्या पता बा? स्कूल में जब सब चिढ़ाते थे तो मैं आया को ही पकड़ के रोता था। डैडी हमेशा बिजनेस में बिजी, तुम अपने ऑफिस में बिजी, इतने बड़े घर में अकेले रहकर दीवारों से, खंभों से बात करते हुए, नरक भोगते हुए अकेले ही जिया था, और आज तक अकेले ही जी रहा, अकेले ही जी रहा। सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट में मार्क्स देखकर, वेरी गुड बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, ऐसा बोलने से प्यार नहीं होता। वो प्यार दिल के अंदर से आना चाहिए, दिल के अंदर से। मुझे बुखार हुआ तो आया रोई, पेट में दर्द हुआ तो आया रोई, गोद में लिया, छाती से लगाया, अपना प्यार दिया मुझे। उनकी छाती में दूध नहीं आता था, फिर भी दूध पिलाने की कोशिश की मुझे, वही असली माँ का प्यार है। आंटी, इस जन्म में तुम ही मेरी माँ, तुम ही मेरी माँ। बाबू, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए भटक गया, पूरी संगत में पड़ गया, जीवन में कभी अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं समझ में आया। डैड, मैंने अपने एक लौते फ्रेंड को खो दिया, मैं अकेले ही बुरी संगत में नहीं पड़ा, आपके जैसे पेरेंट्स की वजह से मेरे जैसा यूथ बुरी संगत में पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स भी ऐसा ही है। उनमें और मुझ में कोई फर्क है क्या माँ? बोलो ना माँ। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, क्या ये हमारी गलती है? एब्सोल्युटली 100% मिस्टेक आपने की थी। एज अ पेरेंट यू नीड टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। नॉन इमोशनल कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड विल स्पॉइल द चाइल्ड। No other person understands a child better than the mother. तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव। माँ, डैडी, आप दोनों की गलतियों की वजह से आज मैं ऐसा बन गया हूं। आपके साथ रहना ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से। बाय माँ। बाबू, जैक, मुझे रोकने की कोशिश मत करना माँ, गलती तुमने भी की, मैंने भी की, लेकिन हमसे भी बड़ी गलती इन लोगों ने की है। जो हुआ तुमने सुन लिया, मुझे माफ कर देना, मैं चलता हूं। कहां जा रही है ये दुनिया? कहाँ जा रही है ये दुनिया?
अनाथों की तरह मिला नशे में समाज सड़कों पर जिंदगी नशे में युवा पीढ़ी दिल में आने से कत्ल करता मासूम बचपन कहाँ जा रही है ये दुनिया अगले पल क्या होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद केरी नंबर वन को निर्दोष मानते हुए बच्चों के भविष्य को उनके पेरेंट्स द्वारा खराब करने के डर की वजह से उनको केरी नंबर वन को ही सौंप दिया जाए। अपने बच्चों को अनुशासन में पालने के बजाय उन्हीं पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों की जिंदगी को कुचलते देखकर ये कोर्ट उन्हें सुधरने की चेतावनी देती है। देख भाई, बिरजू भाई को पकड़ने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो लड़की उसके पास ही है। सर, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सर, तुम्हें किसी भी तरह बिरजू भाई को पकड़ना है। ठीक है सर। सर, बिरजू भाई को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं सर, लेकिन वो लड़की अब भी उसके पास ही है सर। अगर उसे कुछ हो गया तो। उस लड़की की बात हम पर छोड़ो, हम देख लेंगे। गो अहेड। जी सर। रात है राजा, मैं हूँ रानी, कर दे बानी अभी से राजा। मेरी साड़ी रह गई आधी, नींद नहीं आती है, तन बदन तप रहा है, कुछ चल रहा है, पूरे सोलह श्रृंगार है, हर बात मेरी लचकदार है, कली सा मेरा नाम है, मेरी कमर नाजुक है, सोने के मोल में मेरा यहाँ हर कोई खरीदार है, मेरा केडी राजा तू है रे, खोल दू तेरे लिए सब दरवाजे, आजा आजा मेरा नशा तुझसे, रात को तेरे लिए वेट करूंगी। बीट मार चला दे इधर अजय पटने को अन्य यार भी पटने के दरवेश को ऐसा डाल दे हम्मा ऐसा ये ये झुला 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 दे अबा 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 आहा राजा तू है।
मरने वाले की किस्मत मारने वाले के हाथ में होती है। सबको मार के तू यहां तक पहुंच गया, मतलब तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। मौत सामने आए तो हाय बोलना, लड़ पड़ने से बाय बोलना बचपन से मेरी आदत है। तू मुझे क्या मारेगा? सबको मारने के लिए यमराज आता है, पर तुझे मारने के लिए मैं आया हूं। तो आना, यू कैन किल मी। लोगों की जान से खेलना मेरा शौक है, काट डालूंगा तुझे। ऐसा है? इस शौक को भी पूरा करके देख ले बिरजू, तुम्हारी मौत मुझे क्लियर दिख रही है। एक बात मैं तुझे अच्छे से समझा दूं, मेरी हिटिंग लिस्ट के मरने वाले लोगों में से आखिर तू तो सिर्फ एक चीटी के बराबर है। चीटी के बराबर है? हाँ हूँ मैं, तभी तो तेरे पूरे नेटवर्क को, तेरे गैंग को खत्म कर डाला। अब सिर्फ तू अकेला बचा है। आना आना। इधर आकर बड़ा हीरो बन रहा था है? क्या करेगा, क्या कह रहा था? मार डालेगा इस बिरजू भाई को, देखेगा साले मेरे अड्डे पर आकर मेरे लोगों को मारेगा। इतनी हिम्मत तेरी? अभी बताता हूँ तुझे साले है। इस बिरजू भाई से टक्कर लेगा तू, मार डालूंगा साले। तुझे भी बताता हूँ बिरजू भाई क्या चीज है। हाँ बोल, मुझसे लड़ेगा? हाँ मुझे मारेगा साला, इतनी हिम्मत? मारेगा मुझे? हाँ क्या करेगा तू, मारेगा? हाँ क्या करेगा? हाँ इस बिरजू भाई से लड़ेगा? हाँ आज तेरे को जन्नत दिखाऊंगा। इतने सालों का मेरा साम्राज्य को खत्म कर दिया रे तू। तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू ही खत्म होने वाला है, तेरा साम्राज्य कहाँ रह गया बे? क्या कह दिया रे? अरे पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? क्यों हंस रहा है बे? क्या समझता है? हाँ क्या समझता है, क्या समझता है? Yeah,
लाऊं या घुंघरू दिलाऊं, पायल लाऊं या घुंघरू दिलाऊं। मेरा सुंदर बदन तो पायल क्यों चाहिए, घुंघरू क्यों चाहिए, केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन। हीरो बन जाऊं या विलन को लाऊं, हीरो बन जाऊं या विलन को लाऊं, बताना। मेरी रश के कमर तो हीरो क्यों चाहिए, विलन क्यों चाहिए, केडी नंबर वन मेरा केडी नंबर वन। सुनना, खड़कती चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं, चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं, चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं, चूड़िया लाऊं या पायल दिलाऊं। राजा तुम जैसा हो तो ना चूड़ी चाहिए ना पायल चाहिए, केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन। जाऊं या सीरियल दिखाऊं, सिनेमा ले जाऊं या सीरियल दिखाऊं। हीरो मेरे घर में क्यों सिनेमा जाए, क्यों सीरियल भाए, केडी नंबर वन, हाँ हाँ केडी नंबर वन। चिकन लाऊं या मटन दिलाऊं, चिकन लाऊं या मटन दिलाऊं। मैं गोरी गालों वाली हूँ क्यों मटन खाऊं,